और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह की फिल्म जय हिंद ने भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर एक और नया अध्याय रच दिया है। जी हां, आपको बता दें कि भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार और हॉट अदाकारा मधु शर्मा अभिनीत भोजपुरी मूवी जय हिंद ने भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर शानदार 50वां दिन कंप्लीट कर दिया है। यानी कि 50वें दिन भी पवन सिंह का जलवा बिहार और झारखंड के बॉक्स ऑफिस पर देखने को मिल रहा है। मीडिया रिपोर्ट की खबर माने तो बिहार और झारखंड के बॉक्स ऑफिस पर अभी भी करीब 10 से ज्यादा सेंटर पर फिल्म को 50 दिन ओपनिंग मिले है। यानी कि पवन सिंह और मधु शर्मा की जोड़ी एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें कि जय हिंद में पवन सिंह का बिल्कुल एक्शन पैक अंदाज दिखाया गया था, जो दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। खास करके पवन सिंह के दमदार डायलॉग पर भोजपुरी दर्शक जमकर सिनेमा घरों में सीटी बजाते हुए अभी भी नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से अभी भी सिनेमा घरों में हाउस फूड का बोर्ड लगा हुआ नजर आ रहा, उससे यह उम्मीद लगाना संभव हो रहा है कि फिल्म शायद बिहार और झारखंड के बॉक्स ऑफिस पर 100 दिन जरूर पूरा कर लेगा। अब देखना यह होगा कि क्या फिल्म 50 दिन पूरा करने के बाद 100 दिन का सफर पूरा कर पाएगा, यह अभी थोड़ा लंबा है होने वाला है। लेकिन आपको बता दें कि जय हिंद में पवन सिंह का बिल्कुल एक्शन पैक अंदाज भोजपुरी दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। खास करके पवन सिंह और मधु शर्मा पर फिल्माया हुआ रोमांटिक तड़का गाना दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आता है। तो वही पवन सिंह पहली बार जय हिंद में आकांक्षा अवस्थी के साथ जोरदार रोमांस करते हुए भी नजर आते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो पवन सिंह की फिल्म देखने लायक बनाई गई है। ऐसे में अगर आप लोगों ने अभी तक जय हिंद नहीं देखा है तो आप अपने नजदीकी थिएटर में जाकर जय हिंद जरूर देखें। और जिन लोगों ने फिल्म को देखा है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको पवन सिंह और आकांक्षा अवस्थी के साथ मधु शर्मा अभिनीत भोजपुरी मूवी कैसी लगी।